हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरे को सुनने में आ रहा है बहुत ही मिस्टेक्स हो रही है आप लोगों की। कौन सी मिस्टेक की बात कर रहे हो मैम? पढ़ते पढ़ते आप लोग अननोइंगली बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो। अरे आपको कैसे पता चला? मेरे को इसलिए पता चला बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। आप लोग अभी जो कर रहे हो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज सी ए श्रुति अग्रवाल, वेलकम टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मिस्टेक्स टू अवॉइड। हम कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो हमको पता ही नहीं कि गलती है और हम किए जा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई पे भयंकर इम्पैक्ट हो रहा है। एंड ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास होने में कोई हर्डल बन जाए, इसलिए आई एम योर टू टेक दीज टॉपिक्स टूडे। छोटा सा एक ब्रीफिंग रहेगा, शायद आप इनमें से कोई ना कोई गलती तो कर ही रहे हो, 500% कर रहे हो, मेरे को पता है, अच्छे से पता है ये बात। सो आप लोग वीडियो का हम थोड़ा सा टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स प्लीज़। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे हेल्प हो रही हो तो यार लाइक कर दो इतना। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो आप कर रहे हो वो है प्रोकैस्टिनेट। क्या मतलब होता है ये वर्ड ही इतना? मैम हमको पता ही नहीं, हम ये कर ही नहीं रहे, हमको इसका मतलब ही नहीं पता। आपको मैं वही बोल रही हूँ, ये उस टाइप का वर्ड ना, आपको इसका मतलब पता है ना आप उसका सीरियसनेस समझ रहे हो। आप लोग ना डीले करिए, एकदम डीले करो, ठीक है? कल से हम पक्के से ज़्यादा पढ़ेंगे, परसों से हम पक्के से ज़्यादा पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक ना कल कर लेते, ये सब्जेक्ट कल कर लेते, मंडे से कर लेंगे, नेक्स्ट वीक से कर लेंगे। ये जो आप ढकेल रहे हो ना, आपको नहीं पता आप कितना पाइलअप कर रहे हो। आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, और ऐसे करके 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 वो इतना पाइलअप हो जाएगा, फिर जब एग्ज़ाम पास में आती है मैम थोड़े दिन और मिल जाते ना, मतलब हम दुनिया हिला देते। बट अभी है टाइम ना हमारे पास, हम क्यों डिले कर रहे हैं? तो जब भी अंदर से ऐसे थॉट आ रहा है ना कि ठीक है ये टॉपिक कल कर लेंगे, या कल से हम पक्के से 8 घंटा पढ़ेंगे, कल से हम 10 घंटा पढ़ेंगे, तो वहीं पे एंटीना बजना चाहिए, नहीं 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 नहीं, डोंट डू दैट। आप प्रोकैस्टिनेट मत करो, डीले मत करो। जो चीज़ करनी है वो आज नहीं तो कल करनी है हमको, तो डीले करके क्या होने वाला है? वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं, खुद को तसल्ली दे रहे हो कि ठीक है हम कल कर लेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू डू इट टुडे। आज नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे। तो डोंट डीले योर टॉपिक्स, डोंट डीले योर स्टडिंग। पढ़ाई हम कल से फुल फ्लेज स्टार्ट करेंगे, कोई कल नहीं आता है, आई नो इट वेरी वेल। तो आप ये चीज़ जब भी ऐसी फीलिंग आएगी कि हमको डीले करना है, उस मोमेंट ही आप उस चीज़ को स्टार्ट करोगे। एक ये मिस्टेक हो रही है, हाँ सही कहा, आई नो। आपकी सेकेंड मिस्टेक है, ब्लाइंडली पढ़े जा रहे हो। हमको तो पता ही नहीं हम क्या पढ़ रहे, बस पढ़ रहे हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। लव इज़ ब्लाइंड, स्टडीज आर नॉट ब्लाइंड। ऐसे नहीं काम कर सकते आप लोग। अगर आप पढ़ रहे हो आपको यही नहीं पता, मतलब डे के स्टार्ट में जितने भी बजे आप स्टार्ट कर रहे हो, डे के स्टार्ट में आपको पता तो होना चाहिए ना कि यार दिन में कितना पढ़ना है, ये वीक में कितना पढ़ना है, या ये मंथ में। हमारे पास दो टाइप के टारगेट्स होने चाहिए बेटा, एक लॉन्ग टर्म टारगेट जिसको विजन बोलते हैं, मैं एकदम प्यार वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो, एक लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए, एक आध महीने का, एक आध हफ्ते का, और एक शॉर्ट शॉर्ट टारगेट चाहिए, छोटे छोटे टारगेट। छोटे छोटे टारगेट्स मतलब क्या होते हैं कि आज के दिन में ये ख़त्म करना है, क्योंकि जब आप डे स्टार्ट करोगे यू शुड हैव अ टारगेट ना, तभी तो समझेगा आप कितना बड़े हो। नहीं तो बेसिकली जहाँ आपने जिस सिचुएशन में हो, लेट्स एग्जाम को 1 महीना है, 1.5 महीना है, ये वीडियो जनरलाइज्ड है, ऐसे नहीं कि सिर्फ फाउंडेशन के लिए है सीए, या सिर्फ सीए में फाउंडेशन, या सीए इंटर, सीए में इंटर, सबको एप्लीकेबल है। जो भी प्रोफेशन एग्जाम दे रहे, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सबके लिए इन जनरल है। आप लोग ना शॉर्ट टारगेट बनाओ, मतलब एक लॉन्ग टारगेट, ठीक है ये हमको हफ्ते में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, चलेगा, तो दिन में कितना ख़त्म करना है। नहीं तो आप एक वीक में डे वन में 2 चैप्टर कर लिए, अब डे टू बोर हो गए, आधा चैप्टर ही किया, कैसे आप लोग उसको बाइफर्केट करोगे? तो डे के स्टार्ट में एक प्लानर होना ही चाहिए हमारे पास कि नहीं 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 आज इतना ख़त्म करना है, तो समझेगा ना कि दिन में प्रोसीड कैसे करना है, समझ रहे हो? तो यू शुड बी स्टडिंग टारगेट वाइज, ब्लाइंडली पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। अब थर्ड मिस्टेक क्या है? थर्ड मैंने आपको बोला 8 मिस्टेक्स, कितने मिस्टेक्स हैं हमारे पास ऐसे टोटल? 8 मिस्टेक्स जो आप मैंने जॉट डाउन किए, जो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं दूर बैठा बोल रहा है यार यस इट इज़ रिलेटेबल, रिलेटेबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें प्लीज़। चलो थर्ड वाला है कि आप लोग ना आपकी बुक ही फिक्स नहीं करते। मैं बताती हूँ क्या होता है, आप लोग मस्त से पढ़ाई स्टार्ट की हो, वो बुक में से 1 चैप्टर हो गया है, 2 चैप्टर हो गया है, 3 चैप्टर हो गया, एंड देन यू कॉल अ फ्रेंड ऑफ योर्स कहीं दूर, कहीं यार कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्त चल रही है भाई,
कौन सी बुक पढ़ रहा है, मैं तो वो एक्स वाई जेड बुक पढ़ रहा हूँ, शिट यार मैं तो ये बुक पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है, सारे बुक्स अच्छे, आप एक बार का एक बुक फाइनल करें। एक टाइम पीरियड होता है बेटा, देखो आप लोग को एग्ज़ाम को एक महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, और फिर आपने किसी की बात सुन ली और आपको लग रहा है कि आपका आपका कॉन्फिडेंस ही चला गया आपकी बुक पे से, तो आपने उसमें से थोड़ा पढ़ा, आप दूसरे में से थोड़ा पढ़ोगे, उतना टाइम नहीं है। हमारी बुक किस तरह से फिक्स करनी चाहिए, हमने क्या उसके पीछे एक रूल होना चाहिए कि ऐसी बुक चूज़ करो जिसमें से आप रिवाइज भी कर पाओ, क्योंकि वन टाइम रीडिंग से हमारा क्लियर होना मुश्किल होता है। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो राइट, तो आप लोग एक बार पढ़ के जाओगे और सीधा सब रिप्रोड्यूस करके आओगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ऐसी बुक चूज़ करो जिससे आपको रिविजन भी करना है बाद में, आपने एक बार पढ़ लिया नहीं चलेगा। यू हैव टू चूज अ बुक वेरी 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 वाइजली एंड डोंट गेट इन टू द वर्ड्स, यार ये वो बुक पढ़ रहा है, वो बुक से पढ़ रहा है, तो तुम भी तो कोई एक बुक से ही पढ़ रहे हो ना, सब अलग बुक से पढ़ रहे, तो क्या कॉन्टेंट मोर और लेस सेम ही रहता है? आप कन्फ्यूजन में मत जाओ कि हमारी बुक अच्छी नहीं और उसकी बुक बहुत ही अच्छी है, मैं काम करता हूँ बुक की स्विच कर लेता हूँ, बुक स्विच करने का नहीं, एक बुक फिक्स करो, वो बुक खत्म करो, उसमें से रिवाइज करो, फिर ठीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में समझ सकते हो, आपको प्रैक्टिस के लिए गो टू अनदर बुक, बट वो कब जाते हैं? जब हमारी एक बुक अच्छे से हो गई हो, एक बुक में से आधा पढ़ लिया, फिर दूसरी बुक में से हम जीरो से स्टार्ट कर रहे, फिर तीसरे कैसे करेंगे, तो बेटा पोर्शन कब कंप्लीट होगा आपका? समझ रहे हो? ये मिस्टेक मत करना, और ये बहुत देखी है मैंने मिस्टेक, मतलब इतने जल्दी फ्रेंड्स को लेके क्लासमेट्स को लेके हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, नहीं नहीं वो टॉपर है, वो जो बुक पढ़ रहा है वही बेस्ट होगी, ये चीज़ ना दिमाग से हटाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, आप फोर्थ मिस्टेक कर रहे हो, आपकी बहुत बड़ी है, आप खुद को कंपेयर कर लेते हो, बुक रिलेटेड ही है ये। अब तुम क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तुम बुक भी कंपेयर कर रहे हो, बुक कर रहे हो, ठीक है तुम खुद को भी कंपेयर करो, यार वो दिन में 15 घंटे पढ़ रहा है, वो दिन में 18 घंटे, शी स्टडिंग फॉर 18 आवर्स, डूड आई एम नॉट इवन स्टडिंग उतना, मैं तो हार्डली 10 घंटा पढ़ रही हूँ। ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर नहीं लाना है हमको, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद का परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे कंपेयर करो, ठीक है कल मैंने इतना पढ़ा तो आज हमको और एफिशियंसी बढ़, क्वान्टिटी से क्या जा रहे हो यार, आवर्स से जा रहे हो आप, सीरियसली? नहीं नहीं नहीं, हमको खुद से कंपेयर करना है कि मैंने कल कितना पढ़ा था और आज क्या उससे ज़्यादा एफिशिएंट है या नहीं है। कोई कहीं बेटा, हर इंसान ह्यूमन बीन है ना, हम रोबोट्स नहीं है, सेम प्रोसेसिंग लेवल पे रहेंगे, किसी का प्रोसेसिंग लेवल अलग, किसी का अलग, किसी का वो सब्जेक्ट पे ग्रिप होगा तो वो ज़्यादा पढ़ता होगा, किसी का नहीं होगा कम पढ़ता है, करेक्ट? तुम वो कंपेयर नहीं कर सकते कि वो 18 घंटा पढ़ रहा है या उसका इतना सारा पढ़ाई हो गया और तुम्हारा पढ़ाई नहीं हुआ। ये कंपेरिजन से बहुत ऐसे अंदर से डीमोटिवेशन फील होता है, वो डीमोटिवेशन फील होना स्टार्ट हो गया है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम 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 होते, मतलब एग्जाम को दिन कम कम हो रहे और तुम्हारा खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना एग्जाम का बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, मतलब तुम्हारी सब पढ़ाई हो गई हो फिर भी ये अगर अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है ना, तो तुम लोग एग्जाम में भी ब्लैंक हो जाओगे। तो तुम खुद को कंपेयर मत करो, पहली बात ना 50 लोगों से बात करना ही बंद करो, इतने लोगों से, जितने लोग तुम लिमिटेड रखोगे, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बोल रहे हो, तुम दोस्त कितने भी रखो योर लाइफ, पढ़ाई से रिलेटेड ना हर किसी से डिस्कशन करना थोड़ा कम कर दो, खुद की पढ़ाई पे ध्यान दो, बराबर है? बी लाइक अ लायन ना, वॉक्स अलोन, करेक्ट? इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ आप दोस्त वोस्त छोड़ दो, नहीं, कंपेरिजन मत करो ना, सबका अपना अपना लेवल होता है, यू डू योर बेस्ट, नॉट हिज और हर्स बेस्ट, ठीक है? ओके, उसके बाद ना आपके जो भी क्वेश्चंस है या लेट्स से थियोरी पॉइंट्स है, वन टाइम रीडिंग नहीं करनी है बेटा, उनकी प्रैक्टिस करनी है मैम, थ्योरी की प्रैक्टिस, थ्योरी रीरीड करो ना, रिविजन करो, प्रैक्टिस का मतलब मैं वो बोल रही हूँ कि वन टाइम चीज़ें नहीं करनी है हमको, उनका रिविजन करना है एवरी नाउ एंड देन। हमारी इतनी अच्छी रिटेंशन नहीं है कि आपने जो पहले, क्यों मैं बता रही हूँ ये, आप लोग ना एक महीना पहले जो पढ़े हो ना, अभी वो पढ़ने में टाइम लगेगा, अभी आपने 1.5 महीने से वो सब्जेक्ट ही टच नहीं किया है, आप दूसरे सब्जेक्टों में खोए, क्योंकि अपने जो एग्जाम्स है उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी नहीं होता है, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अपन किसी एक, अगर स्पेशली अगर देखो फेलियर्स, कोई आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो ना, तो उसका इतना मन में डर बैठ गया है, तो मेरे को वही सब्जेक्ट बार 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 करना है, अब वही सब्जेक्ट बार 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 कर रहे हो, तो बेटा जो आपको आ रहा था वो आप भूल रहे हो, यू हैव टू बैलेंस इट आउट, यू हैव टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स इन अ फ्रीक्वेंट, क्या बोलते हो, एक इंटरवल डिसाइड कर लो, एक वीक में एक आधे दिन कोई सब्जेक्ट आप रिवाइज कर लो, एक स्टडी स्केड्यूल बनाओ सही से। अच्छा, अगर आप लोग को स्टडी स्केड्यूल रिलेटेड भी कुछ चाहिए मेरे से, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना ये बात। देखो कल मैंने एक इंस्टा पे एक चीज़ रन की थी कि
कौन से इंसान मतलब किस स्टूडेंट को किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो उस बेसिस पे आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मोर और लेस काफ़ी लोगों का था कि हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं पढ़ते हुए, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हमको ये बात करनी, तो इसलिए आज ये वीडियो आया। तो आप लोग कमेंट में डालते रहे कि आपको किस बात पे बात करनी है, किस बात से मेरे से सुनना है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ CA, तो मैंने ये सब फेस गो थ्रू किया है, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ विच यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, तो मेरे को पता है कि कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है। सो इफ़ यू नीड एनीथिंग आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, मैं पूरा पूरा ट्राई करूँगी उस पर आने का। उसके बाद एक आपकी जो मिस्टेक है वो है डिस्ट्रैक्शंस। बहुत डिस्ट्रैक्शंस है यार जिंदगी में। ये पॉइंट सबको एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ लोग हैं जिनको डिस्ट्रैक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब सुनामी आ गई, वोल्केनो आ गया है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हिलता ही नहीं है। वेरी गुड। कुछ लोग मतलब 90% ऑफ द पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसे, मतलब फ़ोन थोड़ा सा वाइब्रेट भी हो गया है ना, बीट न्यूज़ वाला, मतलब न्यूज़ का वाइब्रेशन भी हो गया फ़ोन में, हो माई गॉड किसने मैसेज किया। बेटा ये डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, ठीक है ना, तुम ब्रेक लो, तुम 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटे के बीच में एक ब्रेक लो, जहाँ पे तुम स्पेंड करो तुम्हारा पूरा पूरा टाइम उसके साथ, तुम्हारे फ़ोन के साथ, तुम हाय हेलो खाना खाया क्या सब पूछ लेना, बट वो इंटरवल्स में पूछो। तुम तुम्हारी जब पढ़ाई पे बैठ रहे हो उस पीरियड में, वो चंक में, वो फेज में डिस्ट्रैक्शंस मत रखो। फ़ोन की बात हुई, फ्रेंड्स की बात हुई, फैमिली की बात हुई, टीवी का क्रेज़ है, जिस भी बात को आपका, गेम्स का क्रेज़ है, जिस भी चीज़ का क्रेज़ है, कोई फ्रेंड है, कोई यू नो क्लोज पर्सन है जिसको तुमको बात करनी, तो तुम थोड़ा सा अपने पढ़ाई के हिसाब से मैनिपुलेट करो वो चीज़ों को, ब्रेक लो। डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के बीच में मत लाओ, पढ़ाई होने पे वो चीज़ एज अ ब्रेक करनी है, तो डिस्ट्रैक्शन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद है ये लिमिटेड स्टडी करना बंद कर दो। बेटा आप लोग अभी ट्वेल्थ में नहीं रहे कि चलो ठीक है 8 चैप्टर में से हम 6 करके जाते हैं हम लोग को पास, ऐसे नहीं होगा। आप लोग अब प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो और प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर यू कैन नॉट स्टडी लिमिटेड। आप लोग सोच रहे हो कि नहीं नहीं देखो ये टोटल 12 चैप्टर्स है कॉस्टिंग के अंदर, अभी मैं इसमें से 10 कर लेता हूँ, 2 चैप्टर में पूरा 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 छोड़ दूंगा, ऐसे मत करो। यू नेवर नो, इंस्टीट्यूट है हमारा, यू नेवर नो कौन सी चीज़ किसके लिए आएगी, छोड़ो मत। लिमिटेड स्टडी करना बंद करो, ये सब्जेक्ट मैं 100% करूँगा, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो सब्जेक्ट 50% ही कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ करना बहुत गलत है और ये इतनी उल्टी पड़ेगी हम पे। आई हैव सीन पेपर्स, कुछ भी हो जाता है और कभी भी हो जाता है। तो आप लोग ये लिमिटेड स्टडी जो करते हो ना, कि मैंने अगर या मार्क्स वाइज करते हो, पिछले सारे पेपर का एनालिसिस कर लिया कि मैंने ना 60 मार्क्स का अच्छे से, और ये मैंने सुना है, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स बहुत बार, जिसके बाद मैंने सोचा कि ये पॉइंट डालना ही चाहिए, तब के तब मैं उनको तो क्रैक कर देती हूँ, पर तुम जो इधर उधर बैठे हो तुम्हारा क्या। 60 मार्क्स का हम परफेक्ट पढ़ के जाएंगे मैम, 50 मार्क्स आ जाएंगे। बेटा मैं मैथ्स में भी सिर्फ 60 नहीं करवाती हूँ, जिनको डर लगता है, जिनका नॉन मैथ्स है उनको भी मैं इससे ज़्यादा कराती हूँ, और तुम क्या कर रहे हो, तुम 60 मार्क्स पढ़ के जा रहे हो और 50 आ जाएंगे। 12th है नहीं, 10th है नहीं, प्रोफेशनल एग्जाम है, ये लिमिटेड स्टडी करना बंद कर दो। एंड लास्ट पॉइंट, सेल्फ सिंपथी। यार कितनी सिंपथी चाहिए, मतलब मैंने आज इतना पढ़ लिया है ना, इतना पढ़ लिया, मम्मी बहुत ही पढ़ लिया आज, डैड बहुत ही पढ़ लिया, फिर उसको बोलोगे मैंने आज इतना पढ़ लिया है बेबी, ऐसे नहीं होता है। सेल्फ सिंपथी देना बंद करो, क्योंकि पहली बात तुमको पढ़ना ही, कौन नहीं पढ़ रहा है, सब पढ़ रहे हैं यार। तुम जो मेहनत कर रहे हो वो हर कोई कर रहा है जो ये एग्ज़ाम दे रहा है, तुम कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हो, कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो जो हर इंसान पढ़ रहा है। तो ये सेल्फ सिंपथी वाली जो बात है ना, आज 15 घंटे पढ़ लिया वो ठीक है, खुद को ट्रीट दे दो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सिंपैथी मत दो। सिंपैथी देना, ट्रीट देना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यू गिव योर सेल्फ इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब क्या, ठीक है तुम जो पसंद है वो कर लो, थोड़ा सा ब्रेक लेके, इफ यू लाइक समथिंग टू ईट वो कर लो, जिससे बात करनी है वो कर लो। सेल्फ सिंपैथी देना चालू कर दोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारे पढ़ाई के आस कम होने लगेंगे, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में वायरिंग होती है वैसी, तो ये चीज़ करना बंद कर देंगे। ये 8 मिस्टेक्स अगर आप करना बंद करोगे, इसमें से बेटा आप एक भी मिस्टेक फ्रीक्वेंटली कर रहे हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ बहुत बड़ा हर्डल बनेगा आपके क्लियरेंस में, आई एम टेलिंग यू मार्क माय वर्ड्स, इसमें से एक भी गलती अगर आप कर रहे हो, मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ एक, तो ताकि आपके सामने वो स्क्रीन पे पूरे ऐड दिखेंगे, एक डिले मत करो और एक शॉर्ट टारगेट पे काम करो।
क्या है ना, आप इसमें से एक भी मिस्टेक कर रहे हो, एक भी मिस्टेक कर रहे हो तो समवेयर इट इज गोइंग टू हैम्पर योर, वो जो पास देखना चाहते हो ना, बी यू इन फाउंडेशन और बी यू इन इंटर, बी इट सी एम ए, बी इट सी एम ए, बी इट एनी एग्जाम, आप अगर ये 8 मिस्टेक कर रहे हो तो आप जो पासिंग का सपना देख रहे हो थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा. सो ये चीज़ों पे ध्यान दे आप लोग. एंड एक मेरे को एक और बात इस मैसेज में देनी थी कि थैंक यू सो मच जिन लोगों को बूस्टर सीरीज़ के बारे में एंड डायनामाइट बुक स्पेशली आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम रियली रियली हैप्पी एवरी मैसेज. देखो मेरे को सबको रिप्लाई करना नहीं हो पाता है, कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं इंस्टा डी एम पे देखती रहती हूँ. मतलब थैंक यू सो मच, आप लोग के बहुत मैसेजेस थे एंड स्टोरीज मेरे को बहुत दिख रही थी. आई रियली लाइक दैट एंड तुम अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. ट्राई टू गिव मोर एंड मोर. ये बूस्टर सीरीज विच आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका डिस्काउंट एक्सटेंडेड है क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है और किसी को मना करने के लिए यार डिस्काउंट नहीं है, अब तू पूरे प्राइस में खरीद ले, अल्टीमेटली है तो सब स्टूडेंट लोग, तो उसका डिस्काउंट एक्सटेंडेड है. अभी भी आपके पास चांस है, आप मैथ्स अच्छे से कवर कर सकते हो. 1200 MCQs, ब्रह्मास्त्र एंड डायनामाइट मिला के यू कैन कवर इन 85 आवर्स. आई कैन गारंटी यू, यू आर गोइंग टू स्कोर 80+. बी इन माई टच, गाइडेंस में रहे आप, जब जब मैं बात करती हूँ उतना सुने. ये मिस्टेक्स स्पेशली अवॉइड करें. आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, लगता है रिलेटेबल है तो इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें. यू डोंट वांट ना किसी और को भी ये तकलीफ हो, तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो आपको और किस टॉपिक पे मैं आके बात करूँ. आई श्योरली डू इट जैसे भी होगा. ओके हाँ, टेलीग्राम की लिंक मैंने डाल दी है और लेक्चर्स की लिंक मैंने डाली हुई है. आपको कोई लेक्चर इसमें से खरीदना है और टेलीग्राम पे इसलिए ज्वाइन रहो ताकि अगर मेरे को कोई नोट्स वगैरह डालनी है जो वेरी सून आने लगेंगे तो वो वाले नोट्स आप गो थ्रू कर सकते हो. दैट इज़ वाई. तो आप टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन रहे तो अपन लोग कनेक्टेड रहेंगे इन सम वे. ओके एवरीवन, सी यू ऑल, बाय बाय.